मेरी बात सुनो, दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, इसकी तकदीर लिखी जा चुकी है। फाइनली दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम जानने वाले मिशन इम्पॉसिबल 7 फिल्म के शुरुआती 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे ओपेनहाइमर फिल्म के शुरुआती 5 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, हम इन दोनों फिल्मों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपेनहाइमर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बात करें इसमें के बजट की, तो इस फिल्म को $100 मिलियन यानी कि दोस्तों इंडियन रुपीज में 820 करोड़ के बजट में बनाया गया है। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपना शुरुआती पहले दिन 14,50,00,000 रुपए का इंटरनेट कलेक्शन कर लिया था। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 17 करोड़ रुपए का इंटरनेट कलेक्शन कर लिया था। तो वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन 17 करोड़ 25 लाख रुपए का इंटरनेट कलेक्शन कर लिया है। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में 48 करोड़ 75 लाख रुपए का इंटरनेट कलेक्शन कर लिया है। तो वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने चौथे दिन 7 करोड़ 20 लाख रुपए का इंटरनेट कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि दोस्तों आज के दिन यह फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, आज के दिन यह फिल्म 7 करोड़ रुपए का इंटरनेट कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 62 करोड़ 95 लाख रुपए का। तो वही दोस्तों, इस फिल्म ने इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया है 80 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म कब तक अपने शुरुआती 5 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में $250 मिलियन यानी कि दोस्तों इंडियन रुपीज़ में 2,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों, आपने ओपेनहाइमर फिल्म को देखा है, तो दोस्तों आपको फिल्म कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फाइनली दोस्तों, अब हम बात करेंगे मिशन इम्पॉसिबल 7 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बात करें इसमें के बजट की, तो इस फिल्म को $290 मिलियन यानी कि दोस्तों इंडियन रुपीज़ में 2,400 करोड़ के बजट में बनाया गया है। तो वही दोस्तों, इस फिल्म को इंडिया में 2,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और दोस्तों, बात करें इसमें के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती पहले दिन 12 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म के शुरुआती 7 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों में 75 करोड़ रुपए का इंटरनेट कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म के शुरुआती 13 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 13 दिनों में 94 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म के 14वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि दोस्तों आज के दिन यह फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, आज के दिन यह फिल्म 1 करोड़ 50 लाख रुपए का इंटरनेट कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म ने अपने शुरुआती 14 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 95 करोड़ 50 लाख रुपए का। तो वही दोस्तों, इस फिल्म ने इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया 115 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हो चुकी है। और दोस्तों, अपने मिशन इम्पॉसिबल 7 फिल्म को देखा है, तो दोस्तों आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आप ऐसे मिशन इम्पॉसिबल 7 और ओपेनहाइमर फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियो देखना चाहते हो, तो दोस्तों आपके अपने चैनल आरएम बॉक्स ऑफिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।